नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा एस्पायर एकेडमी पर। आज हम देखने वाले हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन और राजा के पदाधिकारियों के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, हम लोग जानते हैं जब लोग वो लोग प्रारंभ में भारत में आए तो वे कबीलों के रूप में, कई सारे कबीलों के रूप में भारत में आए थे। उन कबीलों को जन कहा जाता था। तो जो जन थे या जन का जो प्रमुख होता था, संभवतः वे एक राजा के रूप में ही एक राजा के रूप में का एक पदाधिकारी हुआ करता था। तो जन के प्रमुख को राजन कहा जाता था या राजन कहलाता था वो, है ना। तो उसको राजन या जनस्य गोपा नामक कई सारे नामों से जाना गया है ऋग्वैदिक काल में। राजा का पद जो था वो ऋग्वैदिक काल में ही प्रारंभ के कुछ समय बाद ही वंशानुगत हो चुका था, परंतु उस समय राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि उसे या उस पर कई सारे कबायली जो संगठन हुआ करते थे वे नियंत्रण रखने का कार्य करते थे। जैसे कि हम जानते हैं सभा और समिति, दो संगठन जिसके विषय में हम लोग सब लोग जानते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में एक संगठन और था विदत, उसके विषय में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में राजा निरंकुश नहीं था, लेकिन वंशानुगत हो चुका था और उस पर नियंत्रण रखने का कार्य दो समितियाँ किया करती थी, जो कि थी सभा और समिति नामक दो संगठन थे जो कि राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करते थे। इनमें समिति का जो रोल था वो मुख्य रूप से राजा के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया करती थी। कौन सी? समिति। राजा के चुनाव में इसका जो योगदान था समिति का वो अधिक था, क्योंकि जो समिति थी ये जनसाधारण की सभा थी, है ना। और जो सभा होती थी, जो सभा थी उसमें क्या था, जो वृद्धजन हुआ करते थे या संभ्रांत लोग होते थे या कुलीन लोग होते थे, सिर्फ उन लोगों की संस्था थी सभा। समिति में जनसाधारण हुआ करते थे, तो जनसाधारण के प्रतिनिधियों के रूप में वो उसके जो जितने भी सदस्य होते थे समिति के वो कार्य करते थे और राजा को चुनने का कार्य किया करते थे। सभा मुख्य रूप से बता चुका हूँ मैं वृद्धजनों और कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। अच्छा, एक चीज़ और, ऋग्वेद में जो कर था या जो टैक्स सिस्टम था वो एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब नियमित कर उस समय नहीं लगाया गया था या नियमित कर की जो परिकल्पना थी वो ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलती है, परंतु एक बलि नामक कर का उल्लेख देखने को मिलता है। जो बलि शब्द है या जो बलि कर था वे स्वैच्छिक कर था, जो कि प्रजा अपनी स्वेच्छा से राजा को प्रदान किया करती थी। स्वेच्छा कैसा, जैसे कि देखिए क्या होता था, उस समय युद्ध हुआ करते थे पशुओं के लिए, तो युद्ध में जो भी लूट हुआ करती थी तो उस लूट का एक हिस्सा राजा को, वहाँ की जनता जो थी वो अपने उस लूट का कुछ हिस्सा राजा को स्वेच्छा से दे दिया करती थी, तो उसका नाम क्या रखा गया था, बलि। लेकिन वो टैक्स था वो एक तरीके का, लेकिन स्वैच्छिक था, उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं थी कि आपको देना ही देना है ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वो क्या हो गया, नियमित कर के रूप में परिवर्तित हो गया था, फिर वहाँ पे बाध्यता हो गई थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या था, नियमित नहीं था, ठीक है। ऋग्वैदिक जो हम अगर बात करें स्ट्रक्चर की, राजनीतिक स्ट्रक्चर की, तो वो कितने भागों में बटा हुआ था, तो देखिए सबसे बड़ी इकाई थी वे थी जन, फिर जन से छोटी इकाई थी विष, विष से छोटी इकाई ग्राम और ग्राम से छोटी इकाई कुल या ग्रह हुआ करती थी। अगर हम बात करें सबसे बड़ी इकाई तो जन, उससे छोटी विष, फिर ग्राम, फिर कुल और फिर ग्रह। ऋग्वेद में कुल शब्द का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, कुल के अतिरिक्त वहाँ पर ग्रह शब्द का प्रयोग बहुत बार किया गया है, लेकिन कुल शब्द का प्रयोग ना के बराबर देखने को मिलता है ऋग्वेद में। जो विष था, देखिए हमने देखा जो आपका जन था, जन का प्रमुख जनस्य गोपा अर्थात राजा होता था, फिर जो विष था, जन से छोटी इकाई विष, तो विष का जो प्रमुख था वह कहलाता था विषपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, कुल का जो प्रमुख होता था या उसका जो कुल का हेड होता था वह कहलाता था कुलप, है ना। एवं जो ग्रह था, ग्रह का प्रमुख ग्रहपति कहलाता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है, मतलब जितनी भी जो इकाइयाँ हैं राजनीतिक इकाइयाँ, इन सभी इकाइयों में सबसे अधिक अगर प्रयोग देखने को मिलता है ऋग्वेद में तो वह है आपका जन। जन का प्रयोग 275 बार किया गया है ऋग्वेद में। इसके बाद आपका आता है विष, तो विष शब्द का प्रयोग 170 बार देखने को मिलता है। विष के बाद
देखिए इसके अब जो एक इकाई थी हमने देखा सभा समिति, एक मैंने और बात की थी विदत की, है ना। तो विदत ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था थी जो कि उत्तर वैदिक काल आते आते समाप्त हो चुकी थी, फिर आपकी सभा और समितियां बची थी। तो जो विदत था इसका प्रयोग ऋग्वेद में 122 बार देखने को मिलता है और समिति का 9 बार एवं सभा का सिर्फ 8 बार ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद जो जन थे या जितने कबीले हुआ करते थे ऋग्वैदिक कालीन, वे क्या करते थे, आपस में लड़ाई किया करते थे, आपस में लड़ते रहते थे, मतलब पशुओं के लिए। देखिए क्या है, ऋग्वैदिक काल में भूमि का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं था, उस समय कृषि इतने एकदम प्रमुख व्यवसाय के रूप में नहीं थी, प्रमुख व्यवसाय क्या था उनका, पशुपालन, है ना। और उनकी जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो गायों पर निर्भर थी या पशुओं पर निर्भर थी। जितने भी जन या कबीले हुआ करते थे ये आपस में एक दूसरे की गायों पर अधिकार करने के लिए लड़ते रहते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक युद्ध का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है ऋग्वेद में हमें, वो है 10 राग युद्ध, या ऐसे 10 राजाओं के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये युद्ध परुष्णी नदी, मतलब वर्तमान रावी नदी के किनारे हुआ था और इसमें एक पक्ष में थे भरत वंश या फिर त्रित्सु राजवंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं का एक समूह था। इनके मध्य युद्ध हुआ था। युद्ध होने का कारण क्या था, जो आपके दास जो सुदास राजा थे, इन्होंने इनके जो पुरोहित थे विश्वामित्र, इन्होंने विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर दिया था, जिससे कि विश्वामित्र नाराज हो गए थे और उन्होंने सुदास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 10 राजाओं को उन्होंने इकट्ठा किया और सुदास के विरुद्ध उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया था, है ना। हालांकि इस युद्ध में जो विजय हुए थे वे सुदास हुए थे। अच्छा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का या 10 राग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं राजा के जो प्रमुख पदाधिकारी थे वे कौन कौन से थे। तो देखिए राजा के प्रमुख पदाधिकारियों में पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, सूत, यहाँ पर सूत से जो तात्पर्य है वे रथ को हांकने वाले से है, ठीक है। रथ को हांकने वाले के लिए सूत शब्द का प्रयोग किया गया। ये सभी राजा के क्या थे, प्रमुख पदाधिकारी थे। इसमें रथकार और कर्मकार भी शामिल थे। कर्मकार मतलब जो धातु का कर्म किया करते थे, लोहार वगैरह, ठीक है। तो ये सब उस समय ऋग्वैदिक राजा के प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। अन्य पदाधिकारियों में पुरप का भी उल्लेख मिलता है। पुरप अर्थात दुर्गपति, या जो दुर्ग का पूरा मेंटेनेंस देखता था या उसका मैनेजमेंट देखा करता था वो था पुरप। इसके बाद स्पर्श शब्द का प्रयोग मिलता है, या स्पर्श नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। स्पर्श से तात्पर्य हमारा गुप्तचर से है, जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था स्पर्श, ठीक है। इसके बाद दूत का उल्लेख मिलता है। इसी में उपस्थित एवं इभ्य नामक अधिकारी राजा के व्यक्तिगत सेवक हुआ करते थे। तो ये सारे हो गए राजा के पदाधिकारी। इन पदाधिकारियों में जो पुरोहित था ये सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी माना जाता है, क्योंकि ये राजा के पथ प्रदर्शक, शिक्षक, मित्र और दार्शनिक की भूमिका निभाया करते थे। ऋग्वैदिक पुरोहितों में कई सारे पुरोहित देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख पुरोहित थे वे थे वशिष्ठ, विश्वामित्र एवं देवापी, जो कि ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख पुरोहित थे। पुरोहित राजा के साथ युद्ध में भाग लिया करते थे या राजा के साथ युद्ध में जाया करते थे एवं राजा के युद्ध विजय की कामना किया करते थे। देवताओं से राजा के युद्ध के विजय के लिए कामना भी किया करते थे। इसके बाद दूसरा स्थान था सेनानी का। तो देखिए सेनानी का स्थान पदाधिकारियों में दूसरा था। ऋग्वेद के समय राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं हुआ करती थी। जो ऋग्वैदिक कालीन जो राजा था उसके पास कोई भी एक नियमित सेना नहीं होती थी। क्या होता था, जब भी कोई युद्ध हुआ करता था तो राजा जितने भी उसके कबीले के लोग होते थे, चाहे फिर वो कुम्हार हो, चाहे कर्मकार हो, चाहे रथकार हो, कोई भी किसी तरह का काम करने वाला व्यक्ति, युद्ध के समय वो सभी सैनिकों के रूप में कन्वर्ट हो जाया करते थे और युद्ध लड़ा करते थे। तो इस तरीके की सेना के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे बोला जाता है मिलिशिया, है ना। स्थाई सेना नहीं है, लेकिन कबीले के जितने लोग हैं वो भले किसी अन्य विभिन्न कामों में लगे हुए हैं, लेकिन युद्ध के समय वो सभी एक योद्धा के रूप में राजा के साथ युद्ध करने पहुंच जाते थे। इस सेना को बोला गया है मिलिशिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी परफेक्ट सेना नहीं थी ऋग्वैदिक काल में राजा के पास, उस सेना को मिलिशिया कहा जाता था। इसका
जो मिलिशिया थी इसका संचालन करने कौन करता था, तो इसका संचालन ब्रात, गण, ग्राम और सर्थ नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियां करती थी। सेना में पैदल, घोड़े और रथ का प्रयोग किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। सेनानी, ग्रामणी, सूत, सूत अर्थात रथकार जो मैं पहले बता चुका हूँ, कर्मकार सम्मिलित रूप से रत्निन कहे जाते थे। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे ऋग्वैदिक काल में रत्निन से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर रत्निन में आपको समझना है रत्निन में कौन कौन शामिल हैं, आपके सेनानी शामिल हैं, ग्रामणी शामिल हैं, सूत शामिल हैं और कर्मकार शामिल हैं। तो ये चारों पदाधिकारी सम्मिलित रूप से क्या कहे जाते थे, रत्निन। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने देखा ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन और राजा के पदाधिकारी। अब हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में न्याय प्रशासन और जो भी आगे चीज़ें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसके जो बचे हुए हैं उन सभी को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है आपको, पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।